हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू कॉमर्स सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज सब्सक्राइबर एंड उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट सो लेट्स सी व्हाट इज सब्सक्राइबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू वन जी जी कौन से एक्ट की बात हो रही है हमें आई टी एक्ट तो आई टी एक्ट का जो सेक्शन टू वन है वहाँ पे है सब्सक्राइबर की डेफिनेशन विच मीन्स अ पर्सन इन दो नेम द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज ईशूड मतलब जिसके नाम पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ईशू किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइबर जैसे आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो आपके नाम पे अगर आ, कोई भी सर्टिफिकेट ईशू हो रहा है कि आपने कोई अवार्ड जीता है तो क्या होता है ये कैंडिडेट है ये स्टूडेंट है आपकी एक पोजिशन होती है ना कि आप किस आ, किस पोजिशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो वैसे ही जो पर्सन को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलता है उसकी पोजीशन क्या होती है की उसे बोलते हैं कि वो है, ठीक है जिसके भी नाम पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू होगा उसे हम सब्सक्राइबर बोलेंगे सो लेट्स सी की सब्सक्राइबर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सो फर्स्ट ड्यूटी इज टू जनरेट आ की पेयर वेन एनी डी सिग्नेचर सर्टिफिकेट बी एक्टेडर ही टू विच प्राइवेट की ऑफ सब्सक्राइबर क्रॉस पॉइंट एंड इज टू बीस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर देखो जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलता है ना सब्सक्राइबर को तो उसमें पब्लिक की लिखा होता है सिर्फ प्राइवेट की जो है सब्सक्राइबर को खुद जनरेट करना पड़ता है इसलिए फर्स्ट ड्यूटी है सब्सक्राइबर की टू जनरेट की पेयर आपको एक की तो पता है पब्लिक की क्या है आपका लेकिन प्राइवेट की आपको जो खुद जनरेट करना है मतलब आपके पब्लिक की के क्रॉसपॉन्डेंट आपका प्राइवेट की जनरेट करना है तो फर्स्ट ड्यूटी क्या हो जाती है जनरेट आ की पेयर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं डेबिट कार्ड का डेबिट कार्ड लेते हो तो उस पे डेबिट कार्ड पे आपका सिक्सटीन डिजिट जो नंबर लिखा होता है दैट इज योर पब्लिक की ठीक है अब उस सिक्सटीन डिजिट पब्लिक की के कॉरसपॉन्डेंट आपको फोर डिजिट अपना प्राइवेट की जनरेट करना पड़ता है ना पिन जनरेट करते हो एटीएम पे जाके आपको बोलते हैं बैंक वाले कि भैया ये आपको जो डेबिट कार्ड मिला है कि फर्स्ट स्टेप है आपका कि इस क्रेडिट कार्ड को आप एक्टिव करो एक्टिव कैसे करोगे हमारे ही बैंक के एटीएम पे जाके स्टार्ट करो तो वहाँ पे आपको आपसे डिटेल्स मांगेंगे जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड यू कैन जनरेट योर फोर डिजिट पिन। सेम चीज़ ऐसे इसी पे भी होती है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको इश्यू हो गया आपको मिल जाएगा पब्लिक की लेकिन प्राइवेट की आपको खुद जनरेट करना पड़ता है खुद कौन करता है सब्सक्राइबर इट्स द ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर टू जनरेट उसका खुद का प्राइवेट की नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट देखो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जो जो ड्यूटीज़ हैं मतलब अगर मेरे पास है ना कोई भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तो मेरी जो जो ड्यूटीज हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो भी आईटी एक्ट में प्रिस्क्राइबड हैं वो मुझे सारी करनी पड़ेंगी या फिर uh, किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ले लिया तो उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने अगर मुझे कुछ स्टेप्स बोले हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले हैं फॉलो करने के लिए तो आई हैव टू स्टिक दैट रूल्स रेगुलेशन

करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया कि यस यू आर एलिजिबल टू गेट अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अब एक बार सामने से आपके एक्सेप्टेंस आ गई तो अब आपके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ड्यूटी है एज अ सब्सक्राइबर कि यस यू हैव टू एक्सेप्ट दैट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर चाहे बाद में जाके आप बोल दो कि मेरे को ही कैंसिल आउट कराना है लेकिन एक बार सामने से एक्सेप्टेंस आ गई तो पहले आप रिसीव लोगे ही लोगे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और फिर उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ जितनी भी ऑब्लीगेशन आ रही हैं यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अब मेरी मर्जी में से कैसे भी यूज करूँ नहीं सर्टिफिकेट के साथ जितनी भी ऑब्लिगेशन जितनी भी ड्यूटीज हैं आपको वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी देन नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की अब देखो प्राइवेट की प्राइवेट की जो है सब्सक्राइबर ने खुद ही जनरेट करा है अब उसकी एक और ड्यूटी है कि उस पर कंट्रोल रखे उसे सिक्योर रखे उसे किसी से शेयर ना करे हमें बोलते हैं ना कि आपका जो पिन है डू नॉट शेयर विद एनी वन अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हो तो यूपीआई का पिन किसी से शेयर मत करो मतलब इसका ये है कि आपका जो पिन है ना उसे कंट्रोल में रखो सेम सब्सक्राइबर की भी ड्यूटी है कि उसे अपना प्राइवेट की जो है ना उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा कैसे फर्स्ट इज ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की क्रस्पॉन्डेंट टू द पब्लिक की लिस्टेड इन डी सी तो मतलब इसका ये है कि रीजनेबल केयर करनी है सब्सक्राइबर को जैसे उसने प्राइवेट की फोर्स से जनरेट किया है तो उसको संभाल के रखे किसी को भी ना बताएं प्राइवेट की जो उसने जनरेट किया वो किसके क्रॉस्पॉन्डेंस की के पब्लिक की तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे है ही लेकिन जो प्राइवेट की है उसकी उसे हर तरीके से केयर करनी है फॉर से अगर उसने कहीं लिख के रखा हुआ है तो उस नंबर को किसी से शेयर ना होने दिया इसी जगह रखे कि वो लीक ना हो जाए वो नंबर ठीक है उसको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल uh, इंसान की तरह सब्सक्राइबर को प्राइवेट की अपना अपने पास रखना है नेक्स्ट ड्यूटी टू टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिवेंट डिस्कलोजर ऑफ प्राइवेट की मतलब सारे स्टेप्स जिसे प्रिवेंट करे कि डिस्कलोजर ना हो जाए प्राइवेट की का प्रिवेंशन करनी है यहाँ पे उसे जैसे उसे पता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो हो सकता है कि मेरा प्राइवेट की किसी से शेयर हो जाए तो वो चीज़ से बच के रहना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है ना वो वाली चीज़ यहाँ पे लगानी है उसे प्रिवेंट करके रखना है कि कोई भी अगर दुर्घटना से लग रहा है कि हो सकती है उसे पहले से ही सतर्क रहे ठीक है नेक्स्ट इफ़ द प्राइवेट की हैज बीन कॉम्प्रोमाइज मतलब लॉस्ड अगर प्राइवेट की आपका खो गया है ना तो ड्यूटी बनती है सब्सक्राइबर की वो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जाके बताए कि जो मेरा प्राइवेट uh, की है ना वो गुम गया है या मैं uh, किसी को पता चल गया है या फिर किसी से मेरा शेयर हो गया है या उसका मिस यूज हो सकता है <clears throat> तो वो अपना सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जाके बताए बिना डिले करे ज्यादा देर नहीं करे उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए प्राइवेट की का मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का मिसयूज नहीं होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्सक्राइबर की ये ड्यूटी है सब्सक्राइबर की जैसे होता है न हम लोग जब भी कार्ड पेमेंट करते हैं तो फौरन हमारे पास मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि अगर ये पेमेंट आपने नहीं, नहीं करी है तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक इसका मतलब क्या है कि आप इमिजिएटली कॉन्टेक्ट करो अगर आपके कार्ड का मिसयूज हो रहा है ऐसे अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर का मिस हो रहा है तो सब्सक्राइबर को कहाँ जाके बताना है सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो उसे इशू uh, कर रही है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उसी के पास जाएगा सब्सक्राइबर कौन इशू करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी तो दीज फोर आर द मेन ड्यूटीज ऑफ अ सब्सक्राइबर आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग